गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल सी द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का किया था, आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये हमेशा आते हैं एग्जाम, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली। ओके, सो फर्स्ट थ्री मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है इसमें से, आइदर जीरो ऑर्डर आएगा और फर्स्ट ऑर्डर। सो वट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? वी नो कि द रेट ऑफ रिएक्शन, शुड आई राइट हियर, द rate of reaction is proportional to the first power, is proportional to the first power, proportional to the first power of the concentration of reactant, concentration of the reactant R। सपोज करो अगेन, फिर वैसे कल जैसा ही लिख लेते हैं, R इज R टू P, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सो वॉट विल हैपन एट टाइम जीरो, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, आर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, आर जीरो, आर ओरिजिनल है ना, माइनस, और प्रोडक्ट का क्या होगा, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है। फिर एट टाइम टी, एट टाइम टी इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, आर ओ जो है, आर ओरिजिनल में से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। सो नाउ सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन हैज बिकम आर टी, ठीक है, और प्रोडक्ट कुछ बन गया पी टी, ठीक है, या एक्स सपोज कर लो, एक्स प्रोडक्ट कुछ बन गया। देयरफोर कैन आई राइट चिल्ड्रन, इस बात सबको समझ में आती है कि आर टी इज इक्वल टू आर जीरो माइनस एक्स, जितना इसमें डिक्रीज होगा उतना ही ये प्रोडक्ट बनेगा, आर जीरो माइनस एक्स, ठीक है, दिस वी विल यूज, यानी आर जीरो हमेशा ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज स्मॉलर देन आर टी। ओके, नो, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि पहले कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और आफ्टर टाइम इंटरवल टी इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर वर्ड्स वी विल सी डिफरेंशियल रेट लॉ अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अप्लाई डिफरेंशियल रेट लॉ, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। सो व्हाट विल डू, रेट का फॉर्मूला क्या मालूम है हमें, रेट दैट इज आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, समझ में, माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है। देन कम्स व्हेन इट इज रेट लॉ अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, फिर कर दो सेम थिंग जैसे कल किया था, रेट लॉ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के टर्म्स में कैसे होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो आर इज इक्वल टू के रेस टू, जो भी ऑर्डर है, तो यहाँ वन फर्स्ट ऑर्डर है तो रेस टू वन, सो दैट मीन्स देयरफॉर फॉर, अब ये वन कर दो और इसको टू कर दो, दोनों को कंबाइन कर दो, सो फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू इक्वेट कर देते दोनों को, सो माइनस डी आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू के आर, आर रेज टू वन यानी क्या के आर, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस सो इट विल बिकम, इसको अब नाउ इंटीग्रेट करते हैं, ये डिफ्रेंशिएट हुआ, अब इंटीग्रेट करो, सो इंटीग्रेशन कैंसल्स डिफ्रेंशिएशन, मालूम ही है हमें, कल हमने पढ़ा भी था, सो लेट अस इंटीग्रेट दिस, वी विल राइट हियर, इंटीग्रेशन की साइन डाल दो, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस को इस साइड ले जाओ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ माइनस कर दो, माइनस के आर
अपॉन बस के आर है नाउ माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के आर कर दिया. सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस चिल्ड्रेन, इस आर को अगर इधर ले आए आर के नीचे आर ले आए तो दिस कैन बी रिटन एज डी आर अपॉन आर दिख रहा है इज इक्वल टू माइनस माइनस को बाहर ले ले माइनस के ठीक है और ये डी टी इधर जाएगा सो माइनस के डी टी दिख रहा है डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी. अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट लेनी पड़ेगी सो यहाँ ले लो आर ज़ीरो यहाँ ले लो आर टी यहाँ ले लो टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू टी इज इक्वल टू टी समझ में आया आर ज़ीरो आर टी ज़ीरो टी डी आर अपॉन आर ये उठा के इस साइड ले गए तो माइनस के इंटू डी टी ठीक है. इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन के बाद आएगी वैल्यू दिस विल गिव अस आफ्टर इंटीग्रेशन सिंपल है इतना कोई इसमें दिमाग का काम नहीं है एल एन आर आर ज़ीरो लोअर लिमिट अपर लिमिट आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी ज़ीरो टू टी डी टी का डी हट गया इधर भी डी हट गया एल एन आर आर ज़ीरो आर टी माइनस के टी ज़ीरो टू टी ओके. सो नाउ इट कैन बी रिटन एज एल एन आर टी माइनस एल एन आर ज़ीरो नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम्हारे समझ के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ अपर लिमिट दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस ज़ीरो इज टी ओनली ये तो था ही माइनस था ही हमारे पास. सिमिलरली हियर अपर लिमिट इज आर टी एंड लोअर लिमिट इज आर ज़ीरो लिख दिया. देन कम्स इट विल बी रिटन एज देयरफॉर एल एन आर टी इज इक्वल टू एल एन आर माइनस के टी अपनी जगह पर रहने दो और ये माइनस एल एन आर ज़ीरो को इस साइड लाएंगे तो प्लस एल एन आर ज़ीरो हो जाएगा एल एन ऐसे लिखो एल एन आर ज़ीरो ठीक है. ये बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन का इक्वेशन बन गया कल जैसा ओके. सो व्हाट विल डू देयर देयर फोर एल एन की वैल्यू क्या होती है बेटा 2.303 लॉग आर टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस 2.303 लॉग आर ज़ीरो एल एन की वैल्यू डाल दी 2.303 देयर फोर लॉग बेस 10 आर टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.3 सबको 2.303 से डिवाइड कर दिया प्लस लॉग बेस 10 आर ज़ीरो इसको भी 2.303 से डिवाइड कर दिया अंडरस्टूड. Afterwards we will do. Therefore, first equation बना हमारा ln देखना ध्यान से ln RT is equal to first वाला minus KT plus ln R0 ये first है. Second बना हमारा that is log base 10 RT जो भी हमने लिखा is equal to minus K अपॉन 2.303 प्लस लॉग बेस 10 आर ज़ीरो एंड थर्ड वन वी विल एलेबोरेट दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉग बेस ई आर टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई आर ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी. So it will be given as
दिस माइनस दिस है बेटा, लॉग बेस आर टी, लॉग बेस ई आर टी माइनस लॉग बेस ई आर जीरो। तो लॉग में क्या होता है, माइनस मतलब क्या होता है बेटा, अपॉन होता है, मालूम है सबको। तो कैन आई राइट दिस लॉग ई आर टी अपॉन आर जीरो, यू अंडरस्टैंड। लॉग में क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। सो लॉग आर टी अपॉन आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। देयरफॉर वी विल राइट हियर, एक्सपोनेंशियल कर दिए, ई लॉग आर टी अपॉन आर जीरो इज इक्वल टू, ई के बेस में कर दिया ना, ई रेस टू माइनस के टी। ठीक है, देयरफॉर आर टी अपॉन आर जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी। ओके, तो थर्ड इक्वेशन क्या आ गया हमारा, देयरफॉर ऐसा डायरेक्ट लिख दूँ, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो ई रेस टू माइनस के टी। ठीक है, आर जीरो इधर ले आए, ये हमारा थर्ड वाला हो गया, ये दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिख दूँ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तीनों में। ठीक है, सो फर्स्ट आई विल पुट द ग्राफ लाइक दिस। फर्स्ट केस में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ प्लॉट करो, y इज इक्वल एम एक्स ऑफ सी, सो एट टाइम इज इक्वल टू टी जीरो। एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम, पता ही है, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, एंड y एक्सिस पे एल एन आर टी। देन एल एन आर टी एक पॉइंट ऐसा लिया जहाँ पे एल एन आर जीरो, एल एन आर जीरो। सो आफ्टरवर्ड्स वी विल प्लॉट द ग्राफ। सो यू नो कॉन्सेंट्रेशन विल ऑलवेज डिक्रीज, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल डिक्रीज, सो इट विल बी रिटन एज सो ग्राफ हमेशा ऐसे नीचे जाएगा। ठीक है, तो हियर वी विल राइट स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, या के इज इक्वल टू माइनस स्लोप। समझ में आया, एट टाइम टी जीरो, ये जीरो है टाइम टी जीरो, एल एन आर जीरो यहाँ है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तो समवेयर हियर इट विल मीट। ठीक है, सेकेंड केस में ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसा कर दिया, अगेन इस पर टाइम लिख दो, और इस पर इस बार लॉग बेस टेन आर टी, एंड एक कोई पॉइंट ले लो आर जीरो, लॉग बेस टेन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। सो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन अगेन इट विल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एट टाइम टी जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ है, तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है, जीरो टाइम पे यहाँ है कॉन्सेंट्रेशन, और अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, सो इट विल बी लाइक दिस। हियर स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। थर्ड वन इज अगेन वी विल प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, हियर टाइम, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे इसका कॉन्सेंट्रेशन आर जीरो है, और ये आर टी है इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आर टी है, लाइक सब में था। सो हियर नाउ इट विल नॉट बी शोइंग अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी, इट विल नॉट डिक्रीज इन स्ट्रेट लाइन, बट इट विल डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो हो रहा है, बट इट विल बी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, कैसे, कुछ ऐसा ही आएगा, एंड कुछ इनफाइनाइट पॉइंट पे वो मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो हियर इतना ही अपने को समझना है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, लिख देंगे दिस टाइम, दिस इन दिस ग्राफ value will not decrease, will not decrease in straight line, line
but will decrease. Exponentially. Okay. So for today it is enough, है ना? और इसमें हाँ sorry final formula तो लिखना हम भूल ही गए. So finally first order reaction में क्या formula है बेटा? K is equal to 2.303 upon T log R zero upon आर टी, जिसको हम लिखते हैं उसको आर भी लिख सकते हैं, अपनी बुक में आर ही लिखा है तो हम आर ही लिखेंगे. यानी जो इसका फाइनल फॉर्मूला के का फाइंड किया हमने, दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग आर ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. दिस विल बी द फॉर्मूला एंड वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ ऑल्सो. सो एनी थिंग इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड टेल मी, आई विल रिपीट इट अगेन. ओके बेटा, थैंक यू.